हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं आपका मन पसंद का आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने अलग अलग प्रकार के वर्ड्स या नंबर्स हमने देखे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हम लेने वाले हैं एबीसीडी से नॉर्मली रेगुलरली वर्ड्स। हमने लास्ट टाइम तो 5 नंबर से क्या लिया था? शार्प। तो आज हम लेने वाले हैं बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, आपको कैपिटल बी कैसा होता है? जस्ट रेगुलरली इस टाइप में। ओके, तो इस डी से आज हम बर्ड निकालेंगे। तो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आया होगा, तो सर डी से बर्ड्स कैसे बनेगा? यस, नॉर्मल है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डी से बर्ड्स कैसे होता है। फर्स्ट, रेगुलरली जो हम हमारे बुक में आउटलाइन 1 सेंटीमीटर बॉर्डर्स आते हैं, सेम ऐसा आपको कंपलसरी ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर आंकनी है। ओके, बॉर्डर होने के बाद पेज के हिसाब से ना बड़ा ना छोटा, ना स्मॉल। ओके, तो हम क्या निकालेंगे? नॉर्मली बर्ड्स। तो चलो स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे ये डी से बर्ड्स कैसे होता है। फर्स्ट, आपको रेगुलरली स्टैंडिंग लाइन निकालनी है। ओके, मींस यहां पे जो डी की जो लाइन है वो आपको फर्स्ट निकालनी है। उसके बाद जो हाफ सर्कल है, मींस डी, आपको यहां पे निकालना है। ये हुआ डी। Yes. तो स्टूडेंट, इस डी से आपको आपके बुक में, ड्राइंग बुक में बर्ड्स निकालना है। उसके बाद उसकी जो पूंछ होती है, जो बैक साइड का हिस्सा, जो बॉटम का हिस्सा है, आपको इसे बढ़ाना है आगे, और यहां पे आपको नॉर्मली इस टाइप में निकालना है। ओके, इसी की कॉपी करके उसके ऊपर नॉर्मली स्मॉल सा इस प्रकार निकालना है। ये हुई उस बर्ड की पूंछ। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो उसकी चोंच है, उस सेंटर का जो हिस्सा है, रेगुलरली जो सॉफ्टली निकालनी है। फर्स्ट आपको नॉर्मली ये बेंड करना है, उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है वो नॉर्मली आपको बेंड करना है। तो यहां पे आपको कर्व्स दिख रहा है नॉर्मली, जो हम रेगुलरली जो तलवार देखते हैं उस तलवार की तरह आपको ये चोंच निकालनी है। ओके, उसके बाद उसका जो नीचे का हिस्सा है उसको आपको नॉर्मली नीचे से प्रेस करके इस टाइप आपको चोंच निकालनी है। तो ऊपर का जो हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये हुआ चोंच। स्टेप बाय स्टेप करके स्लोली उसके आंखें निकालने। आंखें कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। वेरी गुड, सर्कल। तो फर्स्ट आपको यहां पे चोंच के ऊपर नॉर्मली एक बड़ा सा सर्कल निकालना है। ओके, उसके बाद ये बड़ा वाला सर्कल होने के बाद उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल, मीन उसकी छोटी सी आंखें। ओके, ये होने के बाद जो उसके ऊपर उसके हेयर नॉर्मली इस प्रकार। ओके, ये बर्ड्स होने के बाद ये कंप्लीट हुआ है नहीं ना? तो क्या है इसमें कम, क्या है स्टूडेंट, बोलो। यस, वेरी गुड, उसके पैर। तो स्टूडेंट्स, उसके पैर नॉर्मली यहां पे निकालना है। ओके, यहां पे 3 लाइंस आपको 1 पैर के लिए निकालनी है। उसके बाद रेगुलरली आपको यहां पे कौन सी भी लाइन निकाल सकते हो, और ये बर्ड आपको कलर करना है। ओके, हम यहां पे बर्ड के लिए रेगुलरली येलो कलर से निकालेंगे। तो आपके बुक में कलर करने के लिए आपके पसंद का जो कलर है, योर चॉइस से आपको ये कलर करना है। रेगुलरली आप येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लूइश, और स्टूडेंट्स आप चाहे तो आप वाटर कलर से या क्रेयॉन्स आपके हिसाब से आप कर सकते हो। आपके पास जो कलर्स है
से आपको ये बर्ड्स कलर करना है. ओके, फर्स्ट मैंने आपको क्या देखा, आपको जो उसका पेट का हिस्सा है मैंने आपको नॉर्मली ये कर्व होते हुए लाइंस निकाली और जो बैक साइड का हिस्सा है वो स्टैंडिंग लाइन निकाली. ओके, तो इस प्रकार आपको नॉर्मली ये स्टैंडिंग लाइन और कर्व की लाइन मर्ज करनी है. ओके, उसके बाद उसकी चोंच नॉर्मली रेड कलर से करनी है. ओके स्टूडेंट्स, ये इजी है या हार्ड है? वेरी गुड, इजी. तो स्टूडेंट्स, आपको आपके बुक में कंपलसरी फर्स्ट 1 सेंटीमीटर बॉर्डर आपके आपको ये बर्ड्स तैयार करना है. ओके, और सॉरी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल कर सकते हो या ये वीडियो रिवर्स कर सकते हो, फिर से देख सकते हो. ये होने के बाद आपको फिर से रेगुलरली ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर रखनी है. फर्स्ट आपने क्या किया, स्केच पेन से निकाला. यस नो, पेंसिल से. पेंसिल के बाद आपको ये कलर करना है. कलर करने के बाद आपको स्केच पेन से आउटलाइन आती है. ओके, स्टूडेंट हमेशा मैं बोलता हूँ आपको, जो क्रेयॉन से कलर करते हैं वो फर्स्ट ब्लैक स्केच पेन या ब्राउन स्केच पेन से बॉर्डर की है, और वाटर कलर से कर सकते हो तो आपको वाटर कलर ड्राई होने के बाद पूरा आपका ड्राइंग सूखने के बाद आपको ये कलर करना है. ओके, स्टेप बाय स्टेप होने के बाद स्लोली आपको इसको आउटलाइन करनी है. आप इसके इससे क्रिएटिव कर सकते हो, या आप चाहिए तो बैक साइड में एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, नॉर्मली ग्रास निकाल सकते हो नीचे. ओके, तो स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क है ये डी से क्या निकालना है, बर्ड्स. तो स्टूडेंट्स घर पे रहो, सुरक्षित रहो. थैंक यू सो मच.